सभी देशों के राष्ट्रीय पशु। सरल शब्दों में ये किसी विशेष देश के प्रतीक के अलावा और कुछ नहीं है। राष्ट्रीय प्रतीक सामाजिक शक्ति को रैली करते हैं, उस सामाजिक शक्ति की पहचान को संप्रेषित करने के प्रभावी उद्देश्य के रूप में काम करते हैं और दृश्य कलाकारों को मेज पर रोटी का टुकड़ा पेश करते हैं। जानवरों या पौधों या पक्षियों जैसी चीजों के संदर्भ में दुर्लभ रत्नों को क्षेत्रों या संस्कृति या गुणों के अन्य समूहों के साथ निर्धारित किया जा रहा है। तो चलिए आज हम सभी देशों के राष्ट्रीय पशुओं के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले नीचे दिए गए मॉड्यूल से राष्ट्रीय पशुओं और उनके महत्व के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें और वैज्ञानिक नामों के साथ विश्वव्यापी देशों के राष्ट्रीय पशुओं की सूची एकत्र करें। अधिकांश देश के बजाय अपने प्रतीकों से काफी जाने जाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे पशु पक्षी पौराणिक जीव आदि के बारे में ज्ञान होना सबसे महत्वपूर्ण है। हमने नीचे दुनिया भर के देशों के राष्ट्रीय पशु के महत्व के बारे में कुछ साझा किया है। बिंदुओं पर एक नज़र डालें और उन्हें जीवन भर याद रखें। उदाहरण के लिए यूरोप में कई देश शेर को अपने प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, भले ही ये दुनिया का विशेष रूप से शेर भारी हिस्सा नहीं है। शेर वास्तव में इतना लोकप्रिय है कि अब ये 19 विभिन्न देशों के लिए राष्ट्रीय पशु है, ये अब तक का सबसे आम है। अन्य राष्ट्रीय पशु प्रतीक अक्सर अपने लोगों के लक्ष्यों मूल्यों और इतिहास का एक दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के देश के प्रयास का हिस्सा होते हैं और बहुत प्रतीकात्मक होते हैं, जबकि अन्य अद्वितीय होते हैं और हम इन्हें श्रेणी के आधार पर देखेंगे। राष्ट्रीय पशुओं का महत्व यह है कि ये किसी देश के मूल्यों को दर्शाता है, यदि वह शक्ति आनंद या बुद्धिमत्ता है। अगर किसी को देश के बारे में जानना है तो राष्ट्रीय पशु ही काफी है, जैसा कि ये देश के बारे में बहुत कुछ व्यक्त करता है। कई बार दुनिया को यह साबित नहीं होता कि किसी देश के लिए राष्ट्रीय पशु होने के बिना उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। साथ ही राष्ट्रीय पशु एक खासियत का प्रतीक है जो देश के पास है। कुछ राष्ट्रीय पशु अपने देशों के जाने माने प्रतीक हैं, जैसे उदबिलाव कनाडा। उदबिलाव कनाडा में फरवरी व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है, जो 1621 से शुरू होता है, जब हिटसन की खाड़ी ने पहली बार जानवर को अपने हथियारों के कोट पर रखा था। कनाडाई घोड़ा 2002 में उदबिलाव में एक राष्ट्रीय पशु के रूप में शामिल हो गया। बाल डीगल यूएसए संस्थापक पिताओं ने 1782 में ताकत और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में अपने नए राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाल डीगल का चयन किया। कंगारू ऑस्ट्रेलिया, ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ने कंगारू को इसलिए चुना क्योंकि ये अच्छी तरह से पीछे की ओर बढ़ने में असमर्थ है, इसलिए ये जानवर एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने का प्रतीक है। रॉयल बंगाल टाइगर भारत, पूरे भारत में पाए जाने के साथ साथ रॉयल बंगाल टाइगर देश की ताकत लालित्य सतर्कता बुद्धिमत्ता और धीरज का प्रतिनिधित्व करता है। विशालकाय पांडा चीन, पांडा आत्मनिर्भर हैं और एक प्रतीक के रूप में बहुतायत और समृद्धि लाने से जुड़े हो सकते हैं। यूनिकॉर्न स्कॉटलैंड, 12वीं शताब्दी से यूनिकॉर्न स्कॉटिश हेरल्डी प्रतीक रहा है। सेल्टिक पौराणिक कथाओं में ये मासूमियत पवित्रता उपचार की शक्ति आनंद और जीवन का प्रतीक है और यह पुरुषत्व और शक्ति का प्रतीक भी है। व्हाइट ईगल पोलैंड किंवदंती के अनुसार पोलैंड के पौराणिक संस्थापक लेक पोलैंड के चारों ओर यात्रा कर रहे थे जब वे एक राक्षसी सफेद ईगल के घोंसले में भाग गया। इस महान पक्षी ने डूबते सूरज की लाल किरणों पर अपने विशाल पंख फैलाए, जिससे लेज के लिए एक प्रेरक दृश्य बन गया। बाद में उन्होंने पहला शहर गिन्सनो पॉलिश में घोंसला स्थापित किया और इसके प्रतीक के रूप में सफेद ईगल को अपनाया है। कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया, कोमोडो ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी प्रकार की छिपकली है और ये केवल इंडोनेशियाई द्वीपों में ही पाई जा सकती है। मगरमच्छ तिमोर लेस्ते के लोगों के लिए मगरमच्छ पवित्र जानवर हैं। मिथक के अनुसार मगरमच्छ लाभदायक ने एक लड़के के लिए खुद को बलिदान कर दिया, जिसके साथ उसकी दोस्ती थी और वह लड़के का घर बन गया तिमोर द्वीप। मगरमच्छ की पीठ पर लगी हर चोट पहाड़ बन गई। कछुआ सोलोमन द्वीप, भोजन और धन दोनों के मामले में कछुओं ने हमेशा सोलोमन द्वीप के ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कछुए के हड्डियों वाले सबसे पुराने पुरातत्व स्थल 3000 साल पुराने हैं। गोल्डन फ्रॉग पनामा का सुनहरा मेंढक सौभाग्य का व्यापक रूप से लोकप्रिय प्रतीक है। अफसोस की बात है कि ऐसा माना जाता है कि सुनहरा मेंढक विलुप्त हो गया है।
येलो फिन टूना मालदीव के मछली पकड़ने के उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है, जो इस द्वीप पर आबादी का कितना हिस्सा है। ज़ालॉयड्स केटली मेक्सिकोस ज़ालॉयड्स केटली या मैक्सिकन हेरल स्टॉक दुनिया में कुत्तों की सबसे असामान्य नस्लों में से एक है। ये नामेज टेक शब्द आलाट जिसका अर्थ है बिजली और मृत्यु का देवता और इसको इंटली अर्थ कुत्ता से निकला है। किंवदंती है कि इस आलाट द्वारा जीवन के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करने के लिए कुत्ते को मानव जाति को उपहार में दिया गया था।